ये मेरे हाथ पे काट ना लें ये। एक पेटी में 10-10 छत्ते होते हैं इस तरह के। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं एक चिश्तियाँ के साथ ही एक जगह है वहाँ पे आया हूँ, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ छत्ते पड़े हैं जिनमें शहद पैदा कराया जाता है मक्खियों से, शहद की मक्खियों से शहद पैदा कराया जाता है। तो ये देखें, ये इन्होंने अपने कैंप लगाया हुआ है। इधर कुछ भाई रहते हैं, उनसे बात भी करते हैं, तो उनको कहते हैं कि हमें दिखाएं कि किस तरह से ये शहद की मक्खियों से शहद पैदा कराया जाता है। उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों में शहद पैदा हो जाता है, और छत्ते भी देखते हैं, वहाँ चल के मक्खियाँ भी देखते हैं। ये देखें, इस वक्त मैं मक्खियों के झुरमट में खड़ा हूँ, मेरी तरफ आ रही हैं लेकिन लड़ नहीं रही हैं। बस इसी तरह कुछ पेटियों में मक्खी ज़्यादा है, किसी में कम है, बस ये पोजीशन है। अच्छा, शहद की मक्खियाँ इनमें, ये जो छत्ते पड़े हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई इधर रहते हैं, पेशावर से आए हुए हैं ये भाई। ये इनके रिहाइश की जगह है। जिस तरह ये इन्होंने एक टोपी सी पहन ली है, मुझे भी एक टोपी दी है ये। इससे ये होता है कि जो शहद की मक्खियाँ ना, वो काटती नहीं है, मुंह पे नहीं काटेगी, बाकी जिस्म पे काट सकती है फिर भी। अच्छा, तो ये आप तो इन्हीं में रहते हैं, फिर आपको नहीं काटती है? हाथ वगैरह पे काटती रहती हैं ये आपको? ये देखें, ये मक्खियाँ, ये मेरे हाथ पे काट ना लें ये। वीडियो बनानी, काटनी पड़ेगी। ये छत्ता है जी, ये देखें कितनी मक्खियाँ, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, मुझे तो डर लग। एक पेटी में 10-10 छत्ते होते हैं इस तरह के। अच्छा, मक्खियों के हिसाब से छत्ते रखते हैं। तो इस सीज़न में ये बच्चे पैदा करते हैं? ये जो पेटी है ना, जी जी, 10 छत्तों की मुकम्मल पेटी बनती है। 10 छत्तों की? हाँ, अभी इनसे कुछ मक्खी उड़ जाएगी, इसमें ऑटोमेटिक एक नया मलका बनेगा। सही है। जो उड़ जाती हैं वो किधर जाती हैं? वो इधर नज़दीक इधर बैठ जाएगी, फिर उसमें खाली डब्बे में हम रख देते हैं। अच्छा, वो नज़दीक दरख्तों वगैरह पे बैठ जाती हैं? दूर नहीं जाती है। अच्छा, इतने दूर नहीं। तो ये पहाड़ी है ना? ये पहाड़ी बस फार्मी है। फार्मी है ये? पहाड़ी नहीं है, ये फार्मी है। पहाड़ी से ये छोटी है? हाँ, वो पहाड़ी तो बड़ी है ना, इससे छोटी है। ये फार्मी मक्खी है। फार्मी मक्खी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम धुआं देंगे फिर आपको लड़ेगी नहीं। अच्छा, ये भी भाई धुआं दे रहा ताकि हमें लड़ ना जाए। पंप लगा हुआ, पंप है। सही है। अच्छा, ये धुआं दे दिया, बस अब ये लड़ेगी नहीं, बेहोश हो गई है। ये देखें मक्खियाँ, कितनी मक्खियाँ एक छत्ते में। ओह, दोनों साइडों से हैं ये? अंदर शायद है, ये अंदर शायद है जो आपके ताज़ा ताज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये ताज़ा ताज़ा शायद पेटी के इस साइड पे और उस साइड पे, दोनों साइडों पे, दोनों साइडों से, दोनों साइडों पे शहद का फ्रेम होगा। नहीं, फ्रेम ये खुद ही बनाती हैं ये मक्खियां ही? मक्खियां खुद ही बनाती हैं। हाँ, इसमें हम मोम रखते हैं ना। अच्छा, क्या चीज रखते हैं? ये देखें, ये शहद नजर आ रहा है, ये दूसरा छत्ता निकाल रहे हैं, ये देखें, ये जो ऊपर ऊपर वाला है ना। हाँ जी, ऊपर, इसके अंदर भी कोई चीज होती है नीचे? कोई आप चीज रखते हैं नीचे? नहीं, कोई चीज फर्श पे थी। अच्छा, ये जो है ना, ये शायद है और ये बच्चे हैं। हाँ, छत्ता ये खुद ही बनाती हैं ये जो? ये देखो, ये छत्ता है। हाँ, ये बच्चा है इनका। ठीक है, ये शायद है और ये जो है ना, ये नकटू है। ठीक है, ये देखें हाथ, इसका डांग नहीं होता? इसका डांग नहीं होता। ठीक है, सही। मलका भी है, लेकिन मलका अभी आपको नजर बहुत मुश्किल से आएगा क्योंकि मक्खियों का तादाद ज्यादा है ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बना हुआ है ना, ये छत्ता सा, हाँ, ये
बना होता है शुरू से, ये मक्खियाँ बनाती है, ये मक्खियाँ खुद बनाती है, खुद बनाती है कंप्लीट, ये बिल्कुल खाली होता है, ये खाली नहीं होता, इसमें हम मोम लगाते हैं, मोम लगाते हैं, ठीक, मोम जो लगाते हैं ना वो मोम के ऊपर इस तरह खाने बने होते हैं। अच्छा अच्छा, पहले बुनियाद होती है, मतलब छोटी सी, ठीक है सही है। ये देखें कितनी मक्खियाँ उड़ी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा छत्ते पड़े हैं माशाल्लाह, ये भाई काम करते हैं इसमें। तो आप पेशावर से हैं, ठीक है माशा, इस वक्त मैं मक्खियों के झुरमट में खड़ा हूँ, इधर उधर सारी मक्खियाँ, मेरी तरफ आ रही हैं लेकिन कुछ नहीं कहें। इस तरह आपको दूसरा दिखा देते हैं ऊपर ऊपर से। हाँ ये वाला, इसमें भी उसकी तादाद फ्रेम कम है ना। अच्छा इसमें कम है, इसमें मक्खी का तादाद कम है, उसमें 10x10 का मक्खी मुकम्मल थी, ठीक है, इसमें भी 6 फ्रेम है, 6 फ्रेमों के ऊपर। हाँ ये देख, ये आराम आराम से बच्चा बनाती जाएगी, हम फ्रेम रखते जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो इस सीज़न में मतलब शायद कम ही होता है, बच्चा ज़्यादा पैदा, ज़्यादातर आप बच्चों के लिए, ये सरसों का जो शायद होता है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, नॉर्मल अच्छा, होता अच्छा। है, वो हम नहीं बस निकालते, बच्चा बन जाए तो बेहतर। ठीक है ये देखें, साथ साथ सरसों हैं, ये तो उधर से फूलों का रस वगैरह चूस के ये मक्खियाँ इधर आ जाती हैं इन छत्तों में, ये देखें काफ़ी, इधर भी सरसों हैं उधर भी सरसों हैं। तो वैसे ये कितने दिनों में शहद बन जाता है? शहद सीजन में तकरीबन महीने में बन जाता है। एक महीने में बन जाता है, ये एक जो छत्ता है उसमें से कितना निकल आता है? ये सीजन का भी फर्क होता है ना। अच्छा जब सीजन सही हो तो एक छत्ते से 2 किलो। अच्छा एक छत्ते से मुराद ये जो एक डब्बा सा पड़ा है, एक डब्बे से 5-6 किलो निकल जाता है। 5-6 किलो निकल आता है एक डब्बे से? अच्छा अच्छा, नहीं अभी आप इधर से बच्चा निकाल के फिर किधर ले जाएंगे? अच्छा अच्छा, पहाड़ी इलाकों में चले गए, किन्नू के सीज़न में, ठीक है, चकवाल कश्मीर वाली साइड पे चले जाते हैं। अच्छा मीरपुर वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, तो उधर एक महीने के बाद ये शायद निकल आता है, जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा सीजन स्टार्ट होगा ना, ठीक है, उसमें तकरीबन 10-20 दिन के बाद फिर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर महीने के बाद शायद एक दफ़ा दो दफ़ा, ठीक है। इधर आप दो भाई रहते हैं? हाँ ये देखें भाई, लोगों ने ये अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, तो इधर बैटरी रखी हुई है, सोलर है, सोलर प्लेट लगाई है, ये खाने पीने की जगह, ये रिहाइश रखी हुई है भाई लोगों ने, ये एक छोटी सी प्लेट रखी हुई है इन्होंने, ये देखें सोलर प्लेट, इससे बैटरी चार्ज हो जाती होगी और फिर उससे लाइट वगैरह का ये इंतज़ाम करते हैं। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, सलाम। ये देखें इन्हीं मक्खियों से ये शहद हासिल किया गया, ये बोतलों में पड़ा है, ये देखें ये बोतलें पड़ी हैं शहद की।